देश में इस वक्त सिर्फ योगी ही छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जहां देखो वहीं योगी का कोई ना कोई बयान वायरल हो रहा है। योगी कभी बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो कभी बोलते हैं कि अपराधियों की गर्मी शांत कर दूंगा। अब इसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बीच सीएम योगी यूपी से अचानक कर्नाटक पहुंच गए। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने सही समय पर कर्नाटक के चुनाव प्रचार में सीएम योगी की एंट्री करवा दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कर्नाटक के मांड्या में एक रोड शो किया और उसके बाद एक रैली में अपनी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। रैली को संबोधित करने के लिए जैसे ही योगी मंच पर चढ़े तो उत्तर प्रदेश की बातें शुरू हो गई। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। मंच पर पहुंचते ही सीएम योगी ने अंग्रेजी में एक जबरदस्त डायलॉग मार दिया। अब सीएम योगी ने मंच पर खड़े होकर अंग्रेजी में डायलॉग मारा है तो तालियां और नारे तो लगेंगे ही। योगी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यहां तो सब कुछ चंगा। ये बोलते ही खुद योगी हंसने लगे और लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अब आप सीएम योगी का यह बयान खुद ही सुन लीजिए। रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है।